पड़ेगा, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मजबूरन डिटेन करना पड़ेगा। देखिए आगे कुछ कह रहे हैं, आपका आपका और हमारा पहला वो नहीं है जी सर, मैं तो आप हम जान हमें जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ सर। केवल और केवल पांच मिनट के लिए अकेला आदमी, मैं अकेला जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा, मेरे साथ मेरा PSO सिक्योरिटी भी नहीं जा रही। मैं आपकी हेलो जी नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे देसी भाईचारे न्यूज चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों जैसा आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से महिला खिलाड़ी अपने न्याय को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं और वहीं इसी बीच राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र हुड्डा जी बहन बेटियों को अपना समर्थन देने के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर पहुँचे और दिल्ली पुलिस ने 144 धारा का हवाला देते हुए दीपेंद्र हुड्डा को बीच रास्ते में रोक लिया गया और दीपेंद्र हुड्डा और पुलिस प्रशासन में बहस हुई और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मैं अकेला ही बहनों से मिलने जा रहा हूं और उन्होंने इतना तक कह दिया कि मैं अपने PSO और सिक्योरिटी को भी वहां पर नहीं ले जाऊंगा। आपकी बात समझ गया, आदमी अपनी बेटियों से जाकर उनका उनको हौसला देके उनका हालचाल पूछकर और एक बार फिर सबसे शांति प्रिय रहने की अपील करके मैं वापस आऊंगा। एक आदमी जाऊंगा नहीं सर, मैं दूसरा आदमी नहीं कह रहा। आप एक आदमी को कैसे रोक, किस कौन सी धारा के तहत रोक सकते हैं स्पष्ट रूप से कहा, स्पष्ट रूप से सबको कहा, मैं केवल एक आदमी जाना चाहता था अपनी बेटियों का हालचाल पूछ के उनको हौसला देकर और सबसे शांति प्रिय रूप से रहने की अपील करके मैं आना चाहता था। मैंने केवल पांच मिनट का समय मांगा है कि मैं एक अकेला, इन्होंने कहा धारा 144 है, बिल्कुल मैं सम्मान करता हूं, मैं संवैधानिक पद पे, मैं एक सांसद हूं देश का, मैंने कहा कि मैं अपनी सिक्योरिटी भी छोड़ के चला जाऊंगा, मैं अकेला आदमी जाऊंगा। अंदर से फोन आया था, अंदर से सब जो अंदर हुआ है वो तो सब दिख रहा है, फोन क्या मीडिया पे सारे देश बच्ची अपील कर रही है, अंदर से सोशल मीडिया पे दिख रहा है। हाँ। हमें फोन की जरूरत नहीं है। हाँ। ये जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है, जब रक्षक भक्षक बन जाए। हाँ। तो किससे हम किससे हम न्याय की उम्मीद रखें, व्यक्ति भी नहीं जा सकता।